वैसे बागेश्वर धाम के बाबा ने अपनी चमत्कारी शक्तियों के बारे में कहा कि ये उन्हें अपने गुरु से मिली है। उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा से भक्त के करीब आते ही उन्हें उनकी समस्या का आभास हो जाता है और वो उसे कागज पर लिख देते हैं। इस दौरान धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने नागपुर की संस्था को भी चुनौती दी कि वो दरबार में आए और वो जो भी लिखेंगे सच साबित होगा। चैलेंज की बात क्या, सीधे दरबार में आ जाओ, आके बैठो और अनुभव करो। लाखों लोग आते हैं, उनसे पूछो, उनसे अनुभव करो। वो बुद्धू थोड़ी है, हम किसी को बुलाते नहीं है, हम किसी कोई दावा नहीं करते हैं। हमें जो इष्ट कृपा होगी हम वो लिखेंगे, जो हमारे गुरु की कृपा होगी हम वो लिखेंगे, जो हमारे हनुमान जी प्रेरणा देंगे हम वो लिखेंगे, और जो भी लिखेगा हमें इष्ट पर भरोसा है वो सच और सत्य निकलेगा। उन्होंने नागपुर की संस्था पर कानूनी कार्रवाई करने का भी संकेत दिया और कहा कि जो सनातन धर्म का विरोध करेगा उसका बहिष्कार किया जाएगा। छवि हमारी खराब की है, हमारे बागेश्वर धाम के पागल लगे हुए हैं। नागपुर में ही हमारा बागेश्वर धाम से संबंधन लगा हुआ है और जो आए दिन उनका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, और भारत का प्रत्येक सनातनी व्यक्ति भी अब जवाब दे रहा है, और उन सबको बाइकआउट किया जाएगा जो जो सनातन धर्म के खिलाफ बोलेगा। बागेश्वर धाम वाले बाबा के आरोपों पर अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव ने पलटवार करने में देर नहीं की। उन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ साजिश रचने के आरोपों को झूठा करार दिया, जिनमें से कई अपनी समस्याओं का समाधान जानने के लिए आए थे। बाबा ने भीड़ में से कुछ लोगों को बुलाया और पर्ची में उनकी समस्या लिखी। आपके घर में पति बीमार रहते, शरीर में दिक्कत बढ़ती है, बेटी सफल होगी, आगे चलकर के आपकी बेटी डॉक्टरी हो बनेगा जॉब ही होगा, और कहा कि वो हर धर्म में मौजूद ठगी का विरोध करते हैं। मैं धर्म के बारे में कोई सवाल खड़ा नहीं करता, ठगी के बारे में सवाल खड़ा करता हूं, और ठगी के बारे में हमने सभी धर्मों के लोगों के बारे में सवाल खड़े किए हैं और उनको जेल में भी भेजा है। कई मुस्लिम मांत्रिकों को हमने जेल में भेजा है। उन्होंने कहा कि वो भी पहले इस तरह की ठगी का शिकार हो चुके हैं, इसलिए अपने भाइयों को बचाने के लिए मैदान में उतरे हैं। अगर मैं मुस्लिम होता तो ये बात बोल पाता, अगर ये बोलता तो पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क जाते, तो ये मर्यादा है हमारे देश की। मैं अपना घर पहले साफ करना चाहता हूँ। श्याम मानव ने कहा कि वो भी सनातनी हिंदू हैं और पहले अपना घर साफ करना चाहते हैं। चमत्कार अगर भगवान जी करते हैं तो भगवान जी तो भक्तों के सामने करेंगे ना, आप बीच में क्यों हैं? आप क्या एजेंट है क्या? भक्त और भगवान जी को डायरेक्टली मिलने दीजिए ना। उन्होंने बाबा को एजेंट भी बताया और सवाल किया कि वो भक्त और भगवान के बीच क्यों आ रहे हैं। और तमाम विवादों और आरोपों के बीच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गुड़ियारी में आज बागेश्वर धाम वाले बाबा का दिव्य दरबार लगा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग जुटे, जिनमें से कई अपनी समस्याओं का समाधान जानने के लिए आए थे। बाबा ने भीड़ में से कुछ लोगों को बुलाया और पर्ची में उनकी समस्या लिखी। इस दौरान बाबा ने ये भी सवाल किया कि दरबार में किसी की पहचान जानने की कोशिश तो नहीं की गई? बाबा बार बार ये भी कहते सुने गए कि वो कोई चमत्कार नहीं कर रहे हैं, बल्कि भगवान की कृपा से सब कुछ बता रहे हैं। खायक नामक नस में दिक्कत है, जो जोड़ों की नस है, जिसका नाम एल खायक एस वन, दो नसों में दिक्कत है, पैर में जकड़न बनती, उठ बैठ नहीं पाते, मकान का काम 2026 तक पूर्ण होगा, संग दल करके आई है, 2026 तक हो जाएगा आशीर्वाद। बागेश्वर वाले बाबा ने एक के बाद एक कई लोगों की परेशानी और उसके समाधान बताए। आखिर में उन्होंने सभी लोगों से सनातन धर्म के लिए काम करने की अपील की और कहा कि वो धर्म का झंडा सारी दुनिया में बुलंद करेंगे। सच्ची भविष्यवाणी और समाधान बताने के दावों की पुष्टि के लिए धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने दिव्य दरबार में मौजूद मीडिया कर्मियों की भी मदद ली और उनके सुझाए किसी भी व्यक्ति की परेशानी बिना पूछे बता दी। इस दौरान जी मीडिया की टीम ने भी एक महिला को बाबा के पास भेजा। उनसे मुलाकात के बाद ये महिला संतुष्ट दिखाई दी। देखिए, आपको मैंने चुना था, आप यहाँ गई तो क्या आपके मन में जो जो सवाल थे सबके जवाब मिल गए? जी हाँ, मेरे मन में यही सवाल थे बच्चों को लेकर थे, और मैं आती तंगी से गुजर रही थी, जो उन्होंने अपने आप बताया।
दिव्य दरबार में कुछ लोग ही बाबा के पास अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पहुंच पाए। हालांकि जो दर्शक की तरह मौजूद थे वो भी उनका गुणगान करते दिखे। बहुत सही अनुभव रहा, 100% सत्य बात रही। अंधविश्वास के नाम से कुछ नहीं है, ये बागेश्वर धाम सत्य है, धीरेन्द्र शास्त्री सत्य है, सच्चा दरबार है। बिल्कुल अंधविश्वास है, जो नागपुर वाला बोल रहा है वो बहुत गलत बोल रहा है। पहले करीब 3 घंटे तक बाबा का दिव्य दरबार चला, कल भी इसका आयोजन होगा। इस बीच रायपुर में दिव्य दरबार लगने के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में भी गर्मी आ गई और राज्य के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा भी विवाद में कूद पड़े। उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चुनौती दे दी और दावा किया कि राज्य में धर्मांतरण नहीं हुआ है। कवासी लखमा ने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनके साथ बस्तर चले और धर्मांतरण साबित कर दे तो वो राजनीति छोड़ देंगे। हम पूरा सत्य के साथ, कसम के साथ, अगर मारा जो पंडित हो मेरे साथ आए बस्तर में, अगर कल परसों अगर कोई धर्मांतर होता है तो मैं राजनीति छोड़ देगा, वो पंडित छोड़ दे। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का रायपुर में कथा के दौरान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण होने की बात कही। छत्तीसगढ़ वाले पागलों से भी कहेंगे यहाँ पर भी बहुत धर्म परिवर्तन हो रहा है, अब जगना पड़ेगा हम लोगों को। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं और बागेश्वर बालाजी का हाथ है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जी मीडिया से बातचीत में भी कहा कि वो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के खिलाफ वनवासी कथा करेंगे। अगर ऐसा हुआ होगा तो बहुत जल्दी घर वापसी होगी, हम छत्तीसगढ़ में वनवासी कथा करेंगे। अंधविश्वास और जादू टोने को बढ़ावा देने के आरोपों के बीच गुरुवार को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इनमें आम लोगों के अलावा कई खास लोग भी शामिल थे। इस दौरान पूर्व सीएम रमन सिंह भी कथा सुनते दिखाई दिए। बड़ी तादाद में श्रद्धालु और ये श्रद्धालु यहाँ पे आए और आज पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल इसमें हो रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो आशीर्वाद ले रहे हैं और कथा का श्रवण करने के लिए पहुंचे हैं। कथा सुनने के लिए जुटे लोगों की संख्या बता रही थी कि बाबा के प्रति लोगों का भरोसा कायम है। और कथा में जो श्रद्धालु जुट रहे हैं उससे एक बात तो स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है कि लोगों में उनके प्रति क्रेज है, उनके प्रति श्रद्धा है। इस दौरान सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की सत्ता पर काबिज कांग्रेस के नेता भी दरबार में नजर आए। चाहे लाख विवाद हो और उन विवादों में आरोपों में घिरते पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दिखाई दे, लेकिन जो हम यहाँ देख रहे हैं, जहाँ ये कथा वाचन हो रहा है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का रायपुर के भुजारी में, वहाँ न सिर्फ आम लोग बल्कि कांग्रेस के नेता भी, बीजेपी के नेता भी, तमाम लोग यहाँ पे बैठ के कथा का श्रवण कर रहे हैं। खास बात ये है कि कथा सुनने आए सभी लोगों ने बाबा पर लग रहे आरोपों को साजिश बताया। बागेश्वर वाले बाबा ने चमत्कार या अंधविश्वास की बहस के बीच शाहरुख खान की फिल्म पठान पर भी निशाना साधा। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बाबा ने आरोप लगाया कि फिल्मों के माध्यम से सनातन धर्म को ही टारगेट किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने सवाल किया कि बेशरम रंग भगवा ही क्यों? तो कृपा करके आप जो बेशरम रंग बोले हैं, ये बेशरम रंग भगवा रंग ही क्यों? और रंग भी तो बेशरम रंग हो सकता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने फिल्म मेकर्स को चुनौती दी कि कभी किसी और धर्म के बारे में उंगली उठाकर तो दिखाएं। और साधारण आदमी है तो उंगली उठा लेते हो, तो भाई छिड़िया के कान कोई भी पकड़ ले, कभी दूसरे धर्म के खिलाफ उठा करके बताना नानी याद आ जाएगी। हाँ, तब तो सबका भीतर का मुर्दा मर जाता है। जोशीमठ में बर्फबारी के बाद ध्वस्तीकरण का काम रोक दिया गया है। जोशीमठ में बारिश और बर्फबारी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। जमीन धंसने के बाद कई इमारतों में पहले ही दरारें पड़ गई हैं, वहीं बारिश और बर्फबारी से समस्या और बढ़ सकती है। बाबा केदार के धाम केदारनाथ में सुबह से बर्फबारी हो रही है। ताजा बर्फबारी के बाद पूरा मंदिर परिसर बर्फ से ढक गया है। उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में लगातार बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। मशहूर पर्यटन स्थल चमोली में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। वहीं गंगोत्री धाम भी बर्फ से ढक चुका है। हिमाचल में ताजा बर्फबारी ने ठंड और बढ़ा दी है। कुफरी, जाखू समेत शिमला के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी जारी है। हालांकि इतनी बर्फबारी के बावजूद पर्यटकों की भीड़ भी देखने को मिल रही है।